ये जी माशाल्लाह नींबू वाला पानी। आपको तो बुखार है, अभी कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ने। माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तो VIP। आमीन। वाह जी वाह, जबरदस्त। ले आए फ्रूट? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और बेबी जानी ठीक हो? अभी बुखार फ़ोन आया था, बुखार बहुत तेज़ था, फिर मेरे ख्याल सिरप ही है ना? हाँ जी। अब कुछ बेहतर है माशाल्लाह। और अभी ये जो है ना गल हैं, ये सूजी हुई है। और ये मैं आपके लिए लेके आया था खोया, और जूस ले गए हो? और आपके लिए जूस भी लेके आया था। चलो ये डब्बा भी ले चलो, अपनी अम्मी के पास ले चलो। चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम संजय दाद। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अबू जान क्या हाल है? तो ये जी माशाल्लाह पहुंच, ये आपकी भी पसंद, बेबो की पसंद, सबकी पसंद। वो कह रहा अभी खोल दो और मैंने ना अभी खोला। तो खोलो अभी, देखते हैं। एक मिनट बेबो, खोल इधर, खोलो, ये आप खोलेगा। चलो चलो खोलते रहो, ये बेबो को दे दो, आप सामान ले आओ गाड़ी से। उसको साथ ले चलो ना, उसकी रेड़ी। अब देखो, अब नहीं चुप करके बैठा। वो कहता चलते रहो बस। सही है, तो चलाते रहो, इसलिए तो आप मंगवाई है ये वाली, ताकि वो खेड़ लग जाए। इधर आओ यार, देर हो रही है, काम है। वो उन्होंने भी अभी फ्रूट ठंडे भी करने हैं। ये ना असगर मुखलिस वालों के घर तो दे देना। अभी तो आए हुए, वो बात भूल गई। और भी है सामान, इधर आ जाओ, और भी है। अब क्या ये, क्या इसके हाथ दुख जाएंगे अगर ये लेके जाएगा तो? नहीं। फिर ये लें जी, मैं कहता हूँ सवाब का काम है। नहीं, हाँ। मेरे हाथ नहीं दुखते, तुम टेंशन तुम, नहीं लो। तो बातें करने लग गए ना, इसलिए मैंने कहा ये लो। ये ना क्या कर रहे हो इस से? ये तीनों चीजें जो हैं, ये मुखलिस वालों के घर दे दो, उन्होंने मंगवाई है। और ये दही, ये दही ना उधर फ्रिज में रख दो। ये लो, ये देखो कैसे उठा वाला, ठीक है? नहीं ढाता, चलो ले जाओ। हाँ क्या है? मैंने कहा अपना क्या सामान, लेट हो रही है, मैंने रोटी भी बनाई। सामान तो सारा कुछ वो, ये लो फ्रूट तो ठंडे हो गए होंगे, ये पकोड़े लिए हैं बस। ओके हो गया। और गन्ने वाला जूस लिया है, वो आपको मिल गया? जी मिल गया। और खोया लिया है, आपको मिल गया? जी मिल गया। और क्या चाहिए आपको बताओ? फोन है? मोबाइल चाहिए? वो नहीं मिलेगा, वो नसीब की बात। दुआ करो, नमाज पढ़ो। हाँ जी, दुआ करो अल्लाह से, नमाज पढ़ो, क्या पता अल्लाह पाक आपकी सुन ले। मुझे मोबाइल दिला दो। हाँ जी, जो चीज़ भी अल्लाह से मांगनी होती है ना, हमारी क्या औकात है हम किसी को कोई चीज़ लेके दें। हाँ जी शहजादे, अब देखो खुश तो हो रहे हैं ना। अभी जी हम जो है लेकर जा रहे हैं, चलें जी अंदर। और साथ में ये बोतल है, पानी वाली बोतल है, दूसरी बोतल है? नहीं ये पानी वाली है। दुआ करो यार, हमारी अफ्तारी में दूसरी बोतलें भी हों, स्प्राइट की या कोका कोला की, कितना मजा आएगा। ये तो है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लेते। असल में इतनी महंगी हो गई है, 200 रुपए की जंबो हो गई है। ये तो है। अब ये चीजें लें या वो लें, 200 रुपए का तो कोई मसला नहीं है। चलो दे दिया करो डेली का ना। नहीं टेंशन नहीं लो, मैं ठीक है। कल आज, आज अभी ले आओ, सामने दुकान है, ठीक है? आज से ना, अभी तो सामान लेना है। जी जी, आज से बोतलें शुरू तेरी तरफ, ठीक हो गया? हाँ 200 की कोई बात नहीं है ना, टेंशन नहीं लो, मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अभी लेके आओ ना फ्रूट, हम काटते हैं। नहीं हम काट लेते हैं, छोड़ दो आप सब, टेंशन नहीं, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अभी मैं अफतारी में बोतल मैंने जरूर दिखानी है, डेली की अफतारी में। अब ठीक है भाई, दावत हो गई, क्योंकि डेली की इसकी बोतल की 200 रुपए की कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। हप्पी ले रहा है। हेलो,
यार वो खोया तो दिखाओ कैसा है। जैसे हसन है वैसे है बिल्कुल। ये है जी बिल्कुल खालिस, इतनी मजेदार खोया होता है ना, और पकोड़े तो बिल्कुल लाजवाब होते हैं। ये वही खोया है जो मैं गजरेला खाती थी उसी में होता है। हाँ जी, चलो जी अभी ये बिछाते हैं और अभी फ्रूट काटना शुरू करते हैं। तो जी माशाल्लाह सिस्टम में तेजी आ गई है और यहाँ पे अभी फ्रूट काटना शुरू हो जाएंगे। बर्तन लेके आ चुका है सबा। आज सालन क्या बनाया? सालन चिकन। सच्ची सच्ची चिकन कढ़ाई। ओए मैं सब के जाऊं, मेरा सोना बेबू भी बोल रहा है आज। इसको तो बोलने पे हम तरस गए थे दो दिन, तबीयत इतनी खराब। हाँ ख्याल से बेटा लाग ना जाए। और अभी सालन देखते हैं जी। अच्छा ये तो वीआईपी चिकन बनाया आपने। आज मैंने थोड़ा सा शोरा बनाया। हाँ गेस्ट भी आ रहे हैं शाम को ना, वो सोत्र आ रहा है थोड़ा सा बने। लेकिन हमें तो शाम को पता रात को रोटी नहीं बनी, वही शहरी के टाइम जो एक शहरी के टाइम भी आजकल एक डेढ़ रोटी बस, एक से ऊपर नहीं जा सकते। दही खाते हैं। मैदे ना पक्के हो गए हैं, अब सख्त हो गए हैं। सूख गए हैं, पक्के सख्त नहीं सूख। हाँ मैदे सूख गए हैं बिल्कुल। मतीरा डाल रहा है, अभी दिखाते हैं कि ये हमारे नसीब में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी खैर 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 माशाल्लाह, मीठा मीठा। माशाल्लाह अबू जी भी नहा कर आ चुके हैं, ठंडे ठंडे कूल कूल हो गए हैं। अम्मी आपने नहीं नहाया, आप ही नहा लें। अभी लास्ट टाइम है, तकरीबन आधा घंटा रह गया अब टाइम में। हाँ चलें जी आप बना लें। अच्छा। हाँ बना रहे हैं। माशाल्लाह जी मतीरा जो है वो कटी चुका है, ये हम बचा के रख रहे हैं कल के लिए, ये कल रोज़ा इफ्तार करेंगे। और बाकी जो ये है ना दो, ये आज बना लेंगे, ये कल फिर और लेने पड़ेंगे इस तरह के, बाकी ये नहीं लेना पड़ेगा। बस ये तीन है। दो दो काटो फिर। ये तो खरबूजा है ना? नहीं है खरबूजा, दिखाना दूसरी साइड। ये कुछ और है, खरबूजा नहीं है। चलो बनाओ काटो। ये आप समझेंगे साहब ये क्या है ऐसा काला काला, ये है जी गन्ने का जूस, जिससे मतलब चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है और ये जूस भी बनता है। तो ये ठंडा ठार है, दिल बहार। देहात में हम गन्ने खाते रहते, काफी बार वीडियो में भी दिखाया। हाँ बड़े शौक से खाता, मैं खुद भी खाती। हाँ वही गन्ने को ना रगड़ के ये रस निकलता है, तो ये ठंडा है जूस है, ये बिल्कुल इंसान को ठंडा कर देता है बिल्कुल यखने की तरह। हाँ तो ये आप जब अंदर जाएगा ना, हाय 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 मजा आ जाएगा। गर्मी निकालेगा, देखना आंखों से जलन निकलेगी, पांव से जलन निकलेगी। ठीक हो गया जी। तो अभी जी सब जो हैं वो अपने अपने फ्रूट बना रहे हैं। हाँ पानी बनाओ, मीठा पानी बनाओ ना, ये कोई पूछने की बात है? नहीं मैं कह ये जो है ना, ये दो गिलास सारे हैं सब पियेंगे, कुछ अक्ल इस्तेमाल करो यार। अब्बू जी जो हैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं, वो कहते हैं हमारे दांत नहीं है, हम छिल के फिर जो है ना ऐसे बना के चले कुछ काम भी कर लेंगे और ये बना भी लेंगे। बात के डे पावला धोवन चलो अभी बना रहे हैं जी जामे शीरी वाला रत्ता रत्ता जूस, और साथ में नींबू भी डालने हैं। नींबू आ गए, यही बच्चे हैं बस। नहीं है प्लेट। चलो ठीक है ये भी डालने हैं। चीनी रलाने कम नया तरीका, तो उसके साथ रलाओ ना यार, उससे शोर होता है। शोर करना होना है, शोर तो होगा तो सही है ना। ये जी माशाल्लाह नींबू वाला पानी लाल लाल बेहतरीन जो है ये भी बन चुका है माशाल्लाह, आज तो ज्यादा बना दिया पानी। हल्का सा नमक डाला है इसमें। अभी टाइम जो है वो रहते हैं 14 मिनट अफ्तारी में, तो 14 मिनट वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब अजान होगी रोज़ा अफ्तार करेंगे।
और उसके बाद जो है ना फिर खाने छाने की रूटीन शेयर करेंगे, क्योंकि आज बने हैं चिकन और कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बेबो, कैसे हो? ठीक हूं। आपको तो बुखार है, अभी कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ने। माशाल्लाह, बुखार भी है फिर भी नमाज पढ़ रहा है, माशाल्लाह। चलें फिर हाथ मुंह धोते हैं, अफ्तारी करते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। चलें जी, आ जाओ जी, टाइम जो है ना वो सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। आ जाओ जी सब। आमीन। बाकी जो तमाम हकदार सारे बड़े हो, तमाम पूरी कर देंगे। आमीन। रूह को सवाब पहुँचाऊंगा। आ जाओ अम्मी जान, आ जाओ। मैं यार इधर देख रहा हूँ, वो 200 की बात तो कोई नहीं है, लेकिन वो बोतल नहीं आई भाई जान। वो जो आपने अभी कही कि बोतल मैं रोज अफ्तारी करवाऊंगा। अच्छा, तेरे वादे आधे परने थे आधे कुआरे। भाई 200 की क्या बात है यार, बोतल ले आओ ना, अभी सब बैठे हैं। दावत भी दी थी। हाँ, बोतल नहीं है, किधर है यार, टाइम हो गया, फिर उधर लेने के नहीं गए, अभी दुकान से ले आएंगे ना। हाँ, ये होती है बहन भाइयों, ये ना सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैं ना आपको समझाना चाहता हूँ कि बंदा बात तो कर देता है, लेकिन आगे जो है ना निभाना बड़ा मुश्किल होता है। के आप कोई मिसाल के तौर पे कहता है यार आप कमरे में फलां चीज लगवा लो, आप फलां चीज उधर लगवा लो, अच्छा न्यू बेड ले आओ, वो फलाने कमरे में लगा दो, भी ले आए पैसे कौन भरे? ये कोई नहीं पूछता। तो इसलिए ना मतलब आप देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिया है तकरीबन 1500-2000 का जो है ना ये सामान, फ्रूट पानी सारा सिस्टम बनाते हैं। अब इसने कहा कि यार वो बोतल ना, बोतल ले आओ 200 रुपए। मैंने कहा यार लेते हैं पर अभी ये ठीक है। कहता यार 200 रुपए की धोया, उसकी क्या बात है? मैंने कहा चलो तेरे खाते में हो गई। हाँ कहता ले आऊंगा, आप देखें कि नहीं लेके आया। अब हम तो इतनी माशाल्लाह ये मैनेजमेंट ये सारा सिस्टम कर लेते हैं ना, आपके तो एक बोतल की बात हुई थी। नहीं नहीं, बोतल ले आते ना यार, अफ्तारी हो गई, अब नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के फिर पी लेना। ये गेस्ट चले जाएंगे जो बैठे हैं अभी इधर, बच्चे जो बैठे हैं सारे वो चले जा रहे हैं सब, फायदा। तो जी मोहम्मद हसन जो है ना उधर गाड़ी पे चलते चलते, इसको यहाँ पे देखें नींद आ गई है। बेबो नींद आ गई? आपने गाड़ी चलाई थी? सही है। ये क्या हवा ढांप रहे हो? अच्छा सही हो गया जी, ये ना बेबो के ऊपर छाँ हो गई। और माशाल्लाह सबन रोटी पकाना शुरू कर दी है। एक रोटी जो बन चुकी है, दूसरी भी तैयार हो चुकी है और तीसरी बनना स्टार्ट। कितनी रोटियां बनानी है? रोटियां आज बनानी है, एक अब्बू एक अम्मी दो, असर तीन, एक मैं चार, तीन सात। सात बस? हाँ मैंने तो खानी नहीं, मेरी तो नहीं बना रही ना। मेरी तो नहीं बना रही ना। नहीं, आपने तो मुझे तबीयत नहीं ठीक आज। ये डाल रही हूं, इसको ना उलट पुलट करते रहना, महासन को अंदर डाल आती है। नींद तो उसकी पक्का होने दो, कुछ नहीं होता, वो ऐसे सीधा बैठा है ना, उसे सीधा बिला दिया, ऐसे सीधा, ऐसे नहीं है गर्दन, ऐसे सीधा है, ठीक है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, आधी रोटी पका के ये भाग के आ गई, इतनी गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा, और बेबो को तो सर्दी लग गई गर्मी में, ऐसा ना बेबो? तो क्योंकि इसकी तबीयत खराब है ना इसी वजह। हाँ जी, तो मैं इधर लेटा था, इधर बेबो लेट गया मेरे दरमियान में, मेरा बेटा मेरा, और इधर जो है मेरी सबा, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, और उधर मेरा गोलू मोलू जो है ना अपने पींघे में सो रहा है। तो चलें अभी आटा ना इसने सुबह फ्रिज में रखा था, वो पता नहीं बड़े खाने में रखा पता नहीं क्या, अब जब लेके आए पकाने का टाइम है तो वो बर्फ़ बना हुआ था, अभी ना पिघलने के लिए रख के आई है, जब पिघलेगा तो फिर जाके ये छोटे खाने में हमेशा रखते हैं। असल में क्या करें यार, उधर फिर जाना पड़ता है ना, फिर उधर असलम भाई वाले
सामान शमान रखते हैं अम्मी। असल में वो जो फ्रीजर है ना, वो है असल में फ्रीजर, वो फ्रिज नहीं है, वो फ्रीजर है। और अम्मी की दुकान का उसमें बोतलें जूस ये सारा सामान होता है। हमारे घर के लिए हमें है ज़रूरत फ्रिज की, जो कि बस दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है ना हमें फ्रिज दे तो फिर सही हो जाएगा मसला, ऐसा ना बेबो। हाँ जी, वेलकम वेलकम सोत्र, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। वाह वाह, अभी आया और फ्रूट भी साथ। ये मैंने ना अफतारी की ना, तो फिर ये प्लेट ना मैंने रख दी थी। मैंने कहा सोत्र आ रहा है तो फिर वो खाएगा शौक से, तो ये खा लो फिर चिकन के साथ रोटी। चिकन का तूने मुझे कहा है ना, तो मैंने बोला मैं आ रहा हूं। सही है। भले डॉक्टर ने रोका है, क्या हो गया? हाँ वैसे मुझे भी रोका हुआ है, मैं भी खाता रहता हूँ, लेकिन ये है जब से ना रमजान शुरू हुआ रोजा अफतार करते हैं ना, फिर खाना नहीं खाता मैं, क्योंकि पेट पानी पी पी के फुल हो जाता है। और बेबो कहता है यार हाजी कितना है यार, मैं कह वो बैठक में बैठा है। तो ये आ गया जी हाजी, सलाम तो करो यार हाजी साहब, उसको बुखार है। मिला है? हाँ। गले मिला है मुझे, गले मिला है। अच्छा, हाँ। ये बीमार है ना, ये देखो ये सूजी हुई है गले थोड़ी, और ब्लड भी अंदा पिया। हाँ ब्लड खून भी निकला है सुबह ना, तो बुखार 103 पे बुखार कल था, बेहोश था बिल्कुल। आज कह रहे हैं दोपहर को फिर भी होश हो गया था। पूछा नहीं ठीक ना? चलो सो जाओ ऐसे सो जाओ। तो इसकी ना तबीयत ठीक नहीं, अभी इसको दवाई पिलाई है? नहीं पिलाई। सही चलें जी, ये खा लो फिर रोटी। नहीं हम तो फुल हैं भाई, हम तो फुल हैं भाई। क्या खरबूजा? ये ताकत वाली चीजें है ना, ये नहीं खाएगी। वो जो होंगी ना वो दूसरी दही बल्ले, वो दूसरी मिसाले वाली जो बद हजमी करती हैं बंदे खराब करते हैं, वो खाती है बस। फिर कहती है मेरी टांगों में सांस नहीं है, मैं चल नहीं सकती। सही कहा ना भाई, तू ताकत वाली चीजें खाएगी तो कुछ टांगों में सांस भी होगा, कुछ काम ही करेगी। अब एक काम करती है फिर रसगुल्ले कहती है नहीं भाई मैंने नहीं खाना। समोसे मुझे पानी आ गए। समोसा सुन तो मुंह चू पानी आ गया। माचिस नहीं है, रोटी पकाने के लिए तीन पेड़े रखे हुए हैं। अच्छा यार, आप तो कह रहे थे मैं खाता नहीं हूँ। नहीं थोड़ा सा टेस्ट तो करना चाहिए ना। अच्छा वो अब्बू को दे आई? मैंने कहा अब्बू जितनी खाना है खा लो, उठा लो। फिर अब्बू ने ना इतनी अदल ये उठा लिया, कहते खाता तो कोई नहीं है मीठा। मैंने कहा फिर उठा के लिए। अच्छा इसे कहा कहते खाना नहीं खाते, कहते खाना तो नहीं, नहीं। है फिर उठा लिया ऐसे करता क्या ऐसे। खाना नहीं है। सही है, चलो अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने उठाया, इतना उठा दिया। चलो यानी कि अम्मी अबू ने उठा लिया, ठीक है। अब ये जो है ना हम खाएंगे ऐसे, हम तीन भाई ठीक हो गए। रोटी खाने के बाद फिर ये इसको रोटी दो सोत को, फिर बाद में देखेंगे। नहीं रोटी मैं पूरे रमजान में शाम के टाइम नहीं खाता, सहरी के टाइम खाता हूँ बस। चाओ चाओ वाला आसरा क्या था? पकाओ रोटी जल्दी। अच्छा पके मैं तैयार पियो से। रोटी तैयार है लेकिन दो तीन पेड़े ना हमने रख दिए, हमने कहा ताजी पका के देंगे आपको। दीन ईमान रहेगा ना, पता नहीं आमदे या नहीं आमदा। सही है ना, चलो अभी गरम गरम। हाँ सही है। बेबो जानी क्या बिछा रहे हो? दस्तरखान। क्या करेंगे? अच्छा माशाल्लाह, चलें जी रोटी खाएंगे, दस्तरखान लगा रहे बेबो जानी। माशाल्लाह कौन खाएगा रोटी? कौन खाएगा भाई? हाँ चाचू हाजी खाएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, रोटी पकाना हो गई शुरू जी? हो गई, बना लिए बस आप ही रोटी। और इधर अम्मी जान ने चाय भी बना ली है, देखें। वाओ वेरी नाइस वेरी गुड अम्मी जान, जबरदस्त। चलें जी, तो प्यारे बहन भाइयों अभी हमें इजाज़त दें, क्योंकि अभी ईशा की नमाज की अजानें हो रही हैं। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अम्मी जब ना हमें इमरान खान, क्या कह रहे हैं अम्मी जब इमरान खान बुलाएगा फिर हम गाड़ी पे चलेंगे ना।
अच्छा मैंने कहा हाँ फिर चलेंगे। ये जी हमारा बेबो जो है ना ये इमरान खान का फैन है और ये बार बार हमें कहता है कि मुझे ना इमरान चाचू से मिलना है। कहता है फिर मैं उसकी गोदी में खा के फिर बोलूंगा इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। सच बेबो है? अच्छा चलें इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। बड़ा शौक है।